सो है गाइस वेलकम बैक। तुम्हें पता है पोकेमोन लेजेंड्स जेडे के अंदर हमको नया फिनोमिना दिखने वाला है। तुम्हें लग रहा होगा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हमें पता है मेगा एवोल्यूशन आने वाला है, ये कोई नया फिनोमिना नहीं पुराना फिनोमिना है। अरे मेरे भाई मेगा एवोल्यूशन तो आने वाला है लेकिन उसके अलावा एक और फिनोमिना तुम्हें यहाँ पे दिखने वाला है। लिटरली बताता मैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वो फिनोमिना और कोई नहीं डी मेगा एवोल्यूशन है, यानी कि मेगा इवोल्व में तो पोकेमोन और ज़्यादा इवोल्व हो जाते हैं लेकिन इस वाले फिनोमिना में अंदर पोकेमोन डी इवोल्व हो जाएंगे। तुम लोग बोलोगे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, क्या प्रूफ है तेरे पास। अरे पोकेमोन लेजेंड्स जेडे के ट्रेलर के अंदर हमको दिखाया गया कि यार जो पोकेमोन है ना टेलोम फ्लेम वो डी इवोल्व हो रहा है। पहले वो टेलोम फ्लेम था फिर वो फ्लेचेंडिंग है, फ्लेचेंडर बन गया। चूंकि कैसे संभव है, संभव नहीं है। और क्या तुम्हें पता है इसका हिंट हमको पोकेमोन जर्नी सीरीज में मिल गया था जब पोकेमोन लेजेंड्स सिनो के लिए प्रमोशन चल रहे थे उसके लिए एक स्पेशल जर्नीस का एपिसोड बनाया गया था जहाँ पे आरसीस आया था उसमें डियाल्गा और पालकिया मुकाबला कर रहे थे। उसके अंदर डियाल्गा और पालकिया के फाइट के कारण पोकेमोन जो थे एस के जैसे कि भाई साहब गेंगार हो गया, ड्रैगनाइट हो गया, पिकाचू हो गया, ये सारे डी इवोल्व कर दिए थे। और ये हिंट था कि आने वाले समय में जो फिनोमिना आने वाला है लेजेंड्स केलोस के अंदर वो था डी इवोल्यूशन। यानी कि यार ये कितनी बड़ी बात है। तुम लोग बोलोगे भाई यार ये मैं नहीं मानता। अरे भाई कैसे नहीं मानते, पोकेमोन के आज तक जितने भी फिनोमिना आए हैं ना उनको कॉपी किया गया है, उनको इंस्पायर किया गया है, उनका हमको पहले हिंट दे दिया गया है उसके रिलीज होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल मेगा इवोल्यूशन का हिंट हमको मिस्टी के सपने में दे दिया गया था। अब बात करें जीमू का हिंट हमको जोटो के एपिसोड में दे दिया गया था जहाँ पे क्रिस्टल के कारण पिकाचू और ज़्यादा पावरफुल बन गया था। जाइगांटा में इसका तो पूछो ही मत यार, जायंट ड्रैगनाइट की मिस्ट्री हमको पहले ही बता दी गई थी। और रही बात अपने पाल दिया रीजन वाले क्रिस्टलाइन इवोल्यूशन के बारे में तो अपना ओनिक्स क्रिस्टल ओनिक्स तो हमें याद ही होगा। तो डेफिनेटली जितने भी फिनोमिना गेम में इंट्रोड्यूस होते हैं उससे पहले वो एनीमे सीरीज में बता दिए जाते हैं। दैट्स मीन माय फ्रेंड पोकेमोन लेजेंड जेडे के अंदर हमको डी इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो तुम लोग बोलोगे अरे भाई पोकेमोन लेजेंड्स जेडे की एंडिंग के अंदर हमको मेगा इवोल्यूशन दिखाया गया। अरे मेरे भाई मेगा इवोल्यूशन तो आने वाला है लेकिन उसके साथ डी मेगा इवोल्यूशन आएगा। अब यार जब ये लोगो आया था ना इस लोगो को एंड में जिस तरीके से गायब किया गया वो तुमने नहीं देखा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बार मेगा नहीं डी मेगा या फिर डी इवोल्यूशन आने वाला है, जो कि लिटरली काफी अमेजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल एवेंजर्स एंड गेम तुमने देखी होगी, उसके अंदर हल्क और उसकी टीम जो है टाइम मशीन बना रहे होते हैं लेकिन टाइम मशीन बनाने के बजाय वो यार टाइम को अपने आर पार कर देते हैं जिसके कारण उनकी एज कम हो जाती है। वो इमोर्टल मशीन को उन्होंने क्रिएट कर दिया था। उसी तरीके से पोकेमोन वर्ल्ड में लेजेंड केलोस के अंदर रिसर्चर साइंटिस्ट जो है मेगा इवोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन मेगा इवोल्व बनाने के बजाय पोकेमोन के डीएनए में ऐसा चेंज कर दिया उन्होंने कि पोकेमोन डी इवोल्व कर दिया और एक नया फिनोमिना हमारे सामने आ गया। ये काफी अमेजिंग बात है। ये तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, क्या तुम्हें भी लगता है डी मेगा इवोल्यूशन जैसा कुछ आएगा? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ तुम्हारी क्या राय है। बाय बाय।